हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एफिनिटी और एविडिटी के बारे में। तो जब भी कोई एक एंटीजन एक बॉडी में एंटर करता है तो वो एंटीजन जो रहता है वो एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट करता है। सो हियर एक हम देखते हैं कि ये एक एंटीजन है और ये एक एंटीबॉडी है, और ये एंटीबॉडी इंटरैक्ट करके इस एंटीजन को या तो ये न्यूट्रलाइज़ कर देता है या फिर ये डिस्ट्रॉय कर सकता है एंटीजन्स को। तो इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरैक्ट करते हैं, उनका जो स्ट्रेंथ है बाइंडिंग का उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्ट कैसे करते हैं। सो एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो इंटरैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन से, और हम जानते हैं कि नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस जो रहते हैं वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। अब नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस बहुत सारे हैं, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, वैन डर वाल इंटरैक्शंस, ये सारा। तो ये सारे जो इंटरैक्शंस होते हैं ये मल्टीपल मतलब की अमाउंट में या फिर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस होते हैं वो ये इंडिविजुअली तो वीक होते हैं, इंडिविजुअली अगर इनको एक सिंगल बॉन्ड रखा जाए तो देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड जो रहता है वीक होता है अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि ये सारे बॉन्ड्स को लार्ज नंबर में रखा जाता है ताकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सके। ओके, तो इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ ऐसे इंटरैक्शंस रखा जाता है ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस फॉर्म कर सके। ठीक है, तो इस कारण से ये मल्टीपल लार्ज नंबर में इंटरैक्शंस रखा जाता है। अब ये जो नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस होते हैं ये शॉर्ट डिस्टेंस पर ऑपरेट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में एक अच्छा क्लोज फिट होना चाहिए ताकि वो एक अच्छा मींस देयर शुड बी ए क्लोज फिट, एक अच्छा तभी एक अच्छा इंटरैक्शन हो सकता है। और इस क्लोज फिट होने के लिए एक प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री होना बहुत जरूरी, कॉम्प्लीमेंटेरिटी जो प्रॉपर्टी है वो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी हम किसी भी एंटीजन या एंटीबॉडी के स्ट्रेंथ को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम बाइंडिंग स्ट्रेंथ टर्म्स यूज़ करते हैं कि इस स्ट्रेंथ को जो डिफाइन करना है, इस बाइंडिंग के स्ट्रेंथ को अगर हमको डिफाइन करना है तो हम कुछ टर्म यूज़ करते हैं और उन्हीं टर्म्स को हम कहते हैं एफिनिटी एंड एविडिटी। मतलब ये है कि एफिनिटी और एविडिटी जो रहते हैं वो ऐसे टर्म्स है जो इस एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरैक्शन के स्ट्रेंथ को बताते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एफिनिटी एंड एविडिटी। तो ये जो है ये किसी के इंटरैक्शन के स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं और इन्हीं को हम, इन टर्म्स को हम एफिनिटी और एविडिटी कहते हैं। तो सबसे पहले है एफिनिटी। सो एफिनिटी को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक बेसिक देख लेते हैं कि एफिनिटी और एविडिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। सपोज़ ये एक एंटीबॉडी है और ये एक एंटीजन है, एंटीजन जो है यहाँ पर है, ये एक एंटीजन है। एंड एंटीजन में जैसे हम जानते हैं उसमें एक एपिटोप प्रेजेंट होता है एंड जो कि इंटरैक्ट करता है, एंड ये एपिटोप है एंड ये जो ये पोर्शन है ये पैराटोप है। पैराटोप क्या होता है? पैराटोप एंटीबॉडी का ही पार्ट होता है जो कि एपिटोप के साथ में इंटरेक्ट करता है। एपिटोप जो रहेगा वो एक इम्यूनोलॉजिकली बहुत ही एक्टिव रीजन होता है एंटीजन का जो कि एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट पर इंटरेक्ट करता है। सो जो स्ट्रेंथ है बिटवीन जो एक एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच के जो स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए एक सिंगल एंटीजन और सिंगल एंटीबॉडी के बीच के स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं हम उसे कहते हैं एफिनिटी। क्या यूज़ करते हैं? एफिनिटी।
वैसे ही अगर हम यहाँ पर भी एक एंटीजन बना दें और यहाँ पर भी एक एपिटोप डाल देते हैं, तो इस सिंगल एंटीजन और सिंगल एंटीबॉडी या सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट का जो अब ये इन दोनों के बीच का जो इंटरैक्शन है उसके स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर भी हम एफिनिटी ही यूज़ करेंगे। तो एविडिटी क्या है? एविडिटी मतलब क्या होता है कि ये एक कंबाइंड स्ट्रेंथ को बताता है, उसे हम एविडिटी कहते हैं। कंबाइंड स्ट्रेंथ दोनों ही दो मतलब कि जितने भी एंटीजन्स प्रेजेंट है और कि जितने एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है उन सारे के कंबाइन उन सारे के स्ट्रेंथ को कंबाइन करके जो हम जो इंटर जो स्ट्रेंथ को बता रहे हैं उसे हम एविडिटी के टर्म से डिफाइन करते हैं। सो ये एफिनिटी जो रहेगा ये हमेशा ये एक सिंगल एंटीजन एंटीबॉडी के स्ट्रेंथ को बताएगा, जबकि एविडिटी जो रहता है ये एक मल्टीपल एंटीजन बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं बहुत सारे एंटीजन्स है और बहुत सारे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है, सो ये मल्टीपल एंटीजन और एंटीजन बाइंडिंग साइट्स के स्ट्रेंथ को बताता है उसे हम एविडिटी कहते हैं। सो ये क्या है? एविडिटी क्या है? ये एक कंबाइंड स्ट्रेंथ है, ये कंबाइंड स्ट्रेंथ को बताता है पूरे ही जितने भी एंटीजन और एंटीबॉडीज़ जो इंटरैक्ट कर रहे हैं उनका। और ये एफिनिटी जो रहता है वो एक सिंगल एंटीजन और सिंगल एंटीबॉडी के स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है एफिनिटी और एविडिटी के बारे में। सपोज़ हम एक और एग्जांपल लेकर इसको समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एंटीबॉडी प्रेजेंट है। सपोज़ दिस ये एक एंटीबॉडी है और यहाँ पर एक और एंटीबॉडी है। सपोज़ एक रफ डायग्राम में अगर बनाऊँ तो IgM यहाँ पर प्रेजेंट है, ये IgM ये, तो ये IgG मान लेते हैं और ये IgM। अब IgG का जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एक एंटीजन इंटरैक्ट करेगा एक सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट में, तो सिंगल के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए तो हम एफिनिटी यूज़ करते हैं, और अगर हमको कंबाइंड बताना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? एविडिटी टर्म यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एविडिटी कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हो गए, IgG में दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है, तो अगर दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है मतलब कि IgG का जो एविडिटी है या जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है एंटीजन और एंटीजन के बीच का वो लो होगा एज कम्पेयर टू IgM, क्योंकि IgM में क्या हो रहा है इसके जो इसका एविडिटी अगर हम देखने जाएँ तो कितना होगा? यहाँ पर इंटरेक्ट कर रही है हर एंटीबॉडी एपिटोप्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सो इसके एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितने हो गए? 1, 2, 1, 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो अगर हम यहाँ पर देखें IgM में तो इसमें 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है, और अगर 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है इसका मतलब कि जो इसका कंबाइंड स्ट्रेंथ होगा एज कम्पेयर टू IgG वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके एंटीजन बाइंडिंग साइट्स तो ज़्यादा है, तो इसीलिए जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। और अगर कंबाइंड स्ट्रेंथ ज़्यादा है दैट मींस एविडिटी जो रहेगा IgM का वो हाई होगा एज कम्पेयर टू IgG। ओके, सो इस तरीके से हम एविडिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंबाइंड स्ट्रेंथ को जो डिनोट कर रहा है उसके जो स्ट्रेंथ को डिनोट करता है उसे हम एविडिटी कहते हैं। सो अगर हमको इसे डिफाइन करना हो एफिनिटी को तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज़ एफिनिटी? कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस बिटवीन सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो ये जो टर्म जो मैंने बताया सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट वो इम्पॉर्टेंट है ऑन एन एंटीबॉडी एंड अ सिंगल एपिटोप और सिंगल एपिटोप के बीच का जो इंटरैक्शन का जो स्ट्रेंथ है उसे ही हम एफिनिटी कहते हैं ऑफ द एंटीबॉडी फॉर दैट एपिटोप। सो इसे ही हम एफिनिटी डिनोट करते हैं। तो अब जो क्या हो रहा है कि
अब हम एफिनिटी को ही देख लेते हैं. एफिनिटी जो रहता है वो एफिनिटी जो रहेगा वो एक नेट रिजल्ट रहता है एक अट्रैक्टिव फोर्स के बीच में और एक रिपल्सिव फोर्स के बीच में. सो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का एक नेट रिजल्ट होता है. सो एफिनिटी मतलब ये एक एसोसिएशन है, मतलब कि कितना डिग्री ऑफ एसोसिएशन है बिटवीन एक एंटीजन्स के बीच में और एक एंटीबॉडी के बीच में. तो जैसे कि हम देखे हैं कि ये जो एफिनिटी है इसमें नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस जो रहते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एंड ऑल्सो और वो क्या क्या हो सकते हैं नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो जाता है, वैन डर वाल इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस, ये सारे जो रहते हैं ये नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस में आते हैं. तो ये जो एफिनिटी रहता है इसे डिफाइन कर सकते हैं, एक टर्म होता है इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको हम केडी कहते हैं. ये क्या है, ये एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है. तो इससे हम एफिनिटी का मेजर एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं. जैसे कि सपोज़ करते हैं कि एक एंटीबॉडी है और उसका उस एंटीबॉडी का एक हाई एफिनिटी है उसके एंटीजन के लिए. दैट मींस अगर उसका एफिनिटी ज़्यादा है, दैट मींस स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो उसका केडी वैल्यू कम होगा. व्हाट इज़ इसका मतलब क्या है कि अगर उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सपोज़ ये एक एंटीजन है, सॉरी एंटीबॉडी है और ये एक एंटीजन है और इसका जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है. अगर इन कंबाइंड स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ डिसोसिएशन है, डिसोसिएट होने का जो रेट है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का वो कम होगा क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है तो इन डिसोसिएट जो होंगे उनका जो रेट होगा वो कम होगा. सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हाई एफिनिटी एंटीबॉडी है सो उसका लो केडी वैल्यू होगा. उस तो अगर हाई एफिनिटी एंटीबॉडी है इसका मतलब अगेन वो एक स्टेबल इंटरेक्शन शो करेंगे बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी. ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लो एफिनिटी देखेंगे, अगर एक एंटीबॉडी है और अगर उसका लो एफिनिटी है अपने एंटीजन के लिए, इसका मतलब क्या है, एफिनिटी का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ है ना. सो अगर उसका स्ट्रेंथ एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का जो स्ट्रेंथ है वो अगर कम है, तो अगर वो कम है इसका मतलब अब जो रेट ऑफ डिसोसिएशन होगा वो क्या हो सकता है, वो ज़्यादा होगा क्योंकि जो डिसोसिएट होने का जो रेट होगा वो एंटीजन और एंटीजन के बीच में वो ज़्यादा होगा. ओके, और इसीलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि अब जो इंटरेक्शन होगा एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में वो वीक इंटरेक्शन होगा. सो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये केडी और एफिनिटी का जो रिलेशन है वो कैसा होगा. केडी और एफिनिटी का जो रिलेशन है वो इस तरीके से है कि केडी जो रहता है वो एफिनिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. क्योंकि अगर केडी की वैल्यू अगर कम है, जो रेट ऑफ डिसोसिएशन अगर कम है एंटीजन और एंटीबॉडी का, इसका मतलब उनकी स्ट्रेंथ एंटीजन और एंटीबॉडी का सिंगल जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा होगा यानी ज़्यादा होगा. उसी तरीके से अगर केडी वैल्यू अगर ज़्यादा है, इसका मतलब केडी वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है कि रेट ऑफ डिसोसिएशन अगर ज़्यादा है इसका मतलब जो सिंगल स्ट्रेंथ है एंटीजन और एंटीबॉडी का वो कम होगा. तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि केडी और एफिनिटी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है. सो अगेन जैसे कि एक एंटीजन है और वो बॉडी में एंटर करता है फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, अब ये फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा है तो जो एंटीबॉडी का जो एफिनिटी होगा एंटीजन के लिए वो कम होगा, इट विल बी लो एफिनिटी. लेकिन अगर वही एंटीजन अगर बॉडी में एंटर कर रहा है फॉर द सेकेंड टाइम, अब यही एंटीजन अगर बॉडी में एंटर करेगा फॉर द सेकेंड टाइम, अब जो एफिनिटी होगा एंटीबॉडी का उस एंटीजन के लिए वो हाई होगा क्योंकि अब जो है इम्यून रिस्पॉन्स पहले ही अडेप्ट हो चुका है उस एंटीजन के लिए और इसीलिए एंटीबॉडी का ज़्यादा एफिनिटी होगा फॉर दैट एंटीजन. तो इस तरीके से एफिनिटी जो रहती है एक एंटीजन के लिए वो चेंज होते रहता है.
तो किस तरीके से हम इसे क्वांटिफाई कर सकते हैं, हाउ डू वी क्वांटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। तो एक एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरैक्शन के स्ट्रेंथ को हम किस तरीके से क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम एंटीजन सपोज करते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो हम इसे हम इस एक इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है एंटीजन एंटीबॉडी का। अब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट दे रखा है जैसे कि, तो ये क्या है, K1 जो है ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट या फिर हम इसे एसोसिएशन रेट कांस्टेंट कहते हैं, मतलब कि कितने रेट से एंटीजन एंटीबॉडी के साथ एसोसिएट हो रहा है ताकि वो एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सके। K-1 इसका इन्वर्स है, ये रिवर्स रेट रिएक्शन रेट कांस्टेंट होगा, यानी कि ये डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट को बताएगा, मतलब कि कितने रेट से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो रहे हैं इनटू फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सो अगर हम इसका रेशियो देखें K1 और K-1 का, तो हमें पता चलता है कि Ka एक एसोसिएशन, Ka जो है ये एक एसोसिएशन कांस्टेंट है। एसोसिएशन कांस्टेंट मतलब कितने रेट से एंटीजन एंटीबॉडी एसोसिएट हो रहे हैं ताकि वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सके। सो अगेन ये भी एफिनिटी को डिटरमाइन कर सकता है, उसके मेजर को बता सकता है। जैसे कि अगर Ka ज़्यादा है, मतलब कि रेट ऑफ एसोसिएशन ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी एफिनिटी, एंटीबॉडी की एफिनिटी उस एंटीजन के लिए ज़्यादा होगी, और अगर Ka कम है तो उसकी एफिनिटी, एंटीबॉडी की एफिनिटी एंटीजन के लिए वो कम होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि Ka और एफिनिटी के बीच में क्या रिलेशन है, कि Ka जो रहेगा अगर वो ज़्यादा है तो एफिनिटी भी ज़्यादा, इसका मतलब Ka इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी, अगर वो ज़्यादा है तो एफिनिटी ज़्यादा है, Ka कम है तो एफिनिटी कम है। सो Ka जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है, सो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जैसे हम लिखते हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है उसका प्रोडक्ट पॉइंट, उसका जो रेशियो हम निकालेंगे तो देखते हैं कि एंटी अनबाउंड जो एंटीजन एंटीबॉडी है एट द नेक्स्ट। अगर हम इसी इक्वेशन को रिवर्स कर दें तो हम देख सकते हैं कि नाउ ये जो कॉम्प्लेक्स है अब ये डिसोसिएट हो रहा है इनटू एंटीबॉडी एंड एंटीजन। सो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज अ Kd यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब कितने रेट से एंटीजन एंटीबॉडी से डिसोसिएट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये Kd जो है ये एसोसिएशन कांस्टेंट का इन्वर्स हुआ है ना। सो यहाँ पर अगर हमें Kd एक्सप्लेन करना हो तो अगेन प्रोडक्ट एंटीबॉडी जो है एंड एंटीजन, ये प्रोडक्ट्स हैं डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट, तो यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये एक इन्वर्स है ऑफ द एसोसिएशन कांस्टेंट। सो अगेन Kd अगर ज़्यादा है यानी कि रेट ऑफ डिसोसिएशन अगर ज़्यादा है तो एफिनिटी कम होगा, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ कम है तो डिसोसिएशन ज़्यादा ही होगा, और अगर Kd कम है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़रूर एंटीबॉडी का एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होगा। सो इस तरीके से Kd और एफिनिटी के बीच का भी हम रिलेशन देख सकते हैं कि Kd इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन द, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि Ka और Kd किस तरीके से एफिनिटी से रिलेटेड है। अब जैसे कि कोई भी एंटीजन जो रहता है अगर वो एंटर कर जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसका जो Kd वैल्यू होगा, जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन का जो Kd वैल्यू होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, वो इट इज़ वो नॉर्मली अराउंड 10^-4 टू 10^-5 मोलार रहता है। ठीक है, एंड वही एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन का Kd वैल्यू अगर सेम एंटीजन एनकाउंटर करता है फॉर द सेकेंड टाइम,
तो अब जो के डी वैल्यू रहेगा वो इट विल बी लो एज अराउंड, वो कम हो जाएगा 10^-12 के अराउंड, क्योंकि अभी जो इम्यून सिस्टम जो है फॉर द फर्स्ट टाइम तो वो अडेप्टेड नहीं था, लेकिन सेकेंड टाइम में वो अडेप्ट हो चुका है. एंड ऑल्सो एंटीबॉडीज़ जो रहते हैं वो बहुत सारे म्यूटेशन और हाइपर सोमैटिक ये सारे म्यूटेशन से हो करके देन वो सेलेक्ट हो करके कुछ एफिनिटी उनका इंक्रीज़ हो जाता है, और इसीलिए के डी वैल्यू जो रहेगा वो कम हो जाएगा. तो इससे क्या पता चल रहा है कि इन वैल्यूज से ये पता चलता है कि अगर फर्स्ट टाइम में एंटीजन एंटीबॉडी का जो स्ट्रेंथ होता है उसकी के डी वैल्यू जो रहती है वो ज़्यादा होती है. और अगर के डी वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब कि रेट ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा हुआ. रेट ऑफ डिसोसिएशन अगर ज़्यादा हुआ इसका मतलब कि उसकी एफिनिटी कम होगी, एंटीबॉडी की एफिनिटी कम है फॉर दैट एंटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम. लेकिन अगर वही सेकेंड टाइम वही एंटीजन एनकाउंटर करता है तब के डी वैल्यू जो है उसकी कम है. के डी वैल्यू कम है मतलब रेट ऑफ डिसोसिएशन में डिसोसिएट होने का जो रेट है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का वो कम हुआ. और अगर वो कम है इसका मतलब कि एफिनिटी सेकेंड टाइम एंटीबॉडी का उस एंटीजन के लिए वो ज़्यादा रहेगा. तो इस तरीके से हम के डी वैल्यू से देख सकते हैं कि कैसे एफिनिटी कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है. नेक्स्ट जो है वो है एविडिटी. तो एफिनिटी जो रहता है वो कभी भी एक ट्रू स्ट्रेंथ को नहीं बताता है, क्योंकि एक बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर हम देखें तो जितने भी एंटीजन्स और एंटीबॉडी होते हैं वो सारे मल्टीवेलेंट होते हैं. मल्टीवेलेंट मतलब मोर देन वन बाइंडिंग साइट, एक से ज़्यादा बाइंडिंग साइट जिनमें रहता है उन्हें हम मल्टीवेलेंट कहते हैं. तो एंटीजन्स और एंटीबॉडी हमने देखा है कि उसमें बहुत सारे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, लाइक एंटीबॉडी में भी दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं. तो एविडिटी क्या हो रहा है, एविडिटी मतलब कि जो कंबाइंड स्ट्रेंथ को बताता है ऑफ ऑल द एंटीजन बाइंडिंग साइट और ऑल द एपिटोप्स जो प्रेजेंट है. तो ये जो है ये एविडिटी है. ओके, एंड सपोज करते हैं कि एक सपोज़ ये एक IgM है एंड यहाँ पर तो ये इस तरीके से एक IgM मॉलिक्यूल है. ओके, एंड यहाँ पर ये एक एंटीजन है या पैथोजन है एंड इस पर एपिटोप्स प्रेजेंट है जिससे ये IgM जो है ये इंटरैक्ट कर रहा है. तो एविडिटी क्या बता रहा है, एविडिटी ये बताता है कि आइडेंटिकल ये जो IgM है इसमें पूरा आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हो गए, एंटीजन बाइंडिंग साइट. एंड ये एपिटोप्स जो है ये भी आइडेंटिकल हुए क्योंकि ये सेम एंड पैथोजन में प्रेजेंट है, तो आइडेंटिकल एपिटोप्स. तो ये स्ट्रेंथ को बता रहा है बिटवीन आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट और एक आइडेंटिकल एपिटोप्स के बारे में. सो एविडिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मेजर ऑफ द टोटल बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटीबॉडी एट एवरी बाइंडिंग साइट, उसे ही हम एविडिटी कहते हैं. एविडिटी इसे हम फंक्शनल एफिनिटी भी कह सकते हैं. सो एविडिटी ऑफ एन एंटीबॉडी इज़ अ बेटर मेजर ऑफ इट्स बाइंडिंग कैपेसिटी विद इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स दैन द एफिनिटी ऑफ इट्स इंडिविजुअल बाइंडिंग साइट्स. हाई एविडिटी कैन कंपेंसेट फॉर लो एफिनिटी. अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे एविडिटी डिटरमाइन होता है, तो एविडिटी जो रहता है वो डिटरमाइन होता है बाय थ्री फैक्टर्स. वो कौन से थ्री फैक्टर्स है, पहला फैक्टर जो है वो है बाइंडिंग एफिनिटी, सेकेंड जो है वो वैलेंसी है एंड थर्ड जो है वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है. तो बाइंडिंग एफिनिटी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, एफिनिटी क्या होता है, ये एक स्ट्रेंथ को बताता है बिटवीन सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट और सिंगल एपिटोप के बीच में, उसे ही हम एफिनिटी कहते हैं. सिंगल एंटीबॉडी एंड सिंगल एंटीजन के बीच के जो स्ट्रेंथ का जो इंट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ है उसे एफिनिटी कहते हैं. वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी मतलब हाउ मेनी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट.
कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो है वो प्रेजेंट है, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। सपोज करते हैं ये एक डायग्राम यहाँ दे रखा है, ये IgE है और यहाँ पर IgM, तो इसमें कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है? IgE में यहाँ पर दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है, राइट? दो एंटीजन बाइंडिंग साइट है तो हम इस IgE को क्या कहेंगे? बाइवेलेंट है, मतलब कि इसमें दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है। IgM में कितने बाइंडिंग साइट्स है? इसमें 10 बाइंडिंग साइट्स है, और 10 बाइंडिंग साइट है इसका मतलब हम इसे डेकावेलेंट कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो IgM है इसमें ज़्यादा वैलेंसी है देन द IgE, और इसीलिए IgM का एविडिटी जो रहता है वो ज़्यादा होता है। इसका जो कम्बाइंड स्ट्रेंथ है पूरा इसका कम्बाइंड स्ट्रेंथ जो रहेगा एंटीबॉडी का और एविडिटी वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू IgE, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है वो ज़्यादा है। थर्ड है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट मतलब कि किसी भी टाइप का जो कन्फर्मेशनल चेंजेस जो आ रहा है या किसी भी स्ट्रक्चर में, टर्शरी स्ट्रक्चर में, दोनों में ही प्रोटीन में से किसी एक में जो कि हेल्प कर रहा है या फिर लिमिट कर रहा है उन दोनों के इंट्रैक्शन को, से ही हम स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कहते हैं। सो नेक्स्ट इज कैसे, हाउ आर एफिनिटी एंड एविडिटी एक्सप्लॉयटेड इन साइंटिफिक टेक्निक्स। तो ये कैसे एफिनिटी और एविडिटी को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ साइंटिफिक टेक्निक्स में, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। सो पहला जो ये यूज़ होता है एज अ डायग्नोस्टिक टूल। कैसे ये डायग्नोस्टिक टूल्स में यूज़ हो सकता है? एविडिटी टेस्ट जो रहता है, एविडिटी टेस्ट और एविडिटी एसेज कुछ रहते हैं जिससे कि हम यूज़ कर सकते हैं जैसे डायग्नोस्टिक मेडिसिन्स में। एंड एविडिटी टेस्ट जो रहते हैं ये यूज़ होते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें किसी पैथोजेंस को या वायरसेस को, इस तरीके से ये यूज़ होता है ना डायग्नोस्टिक टूल्स। ऑल्सो ये फार्मास्यूटिकल रिसर्च में भी यूज़ होता है। एक बाइंडिंग जो एफिनिटी होती है वो एक मेन जो सेंट्रल कंपोनेंट होता है किसी भी नया फार्मास्यूटिकल डेवलप करने के टाइम पर, ये काम आता है। फॉर एग्जांपल बाइंडिंग एफिनिटी को हम जो ये जो रहता है ये रिसर्चर्स को ये बताता है कि किस कितना एफिनिटी है या किस तरीके से ड्रग जो है वो एक टारगेट मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। एंड ऑल्सो ये बताता है कि ये इंडिकेटर है कि कितना ये ड्रग इफ़ेक्टिव है उस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो उस तरीके से ये फार्मास्यूटिकल रिसर्च में भी यूज़ होता है। थर्ड ये है कि कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है, मतलब कि एफिनिटी और एविडिटी कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना एक एंटी कैंसर टेस्ट, मतलब एंटी कैंसर थेरापीटिक्स का उसका कितना एक्टिविटी है, उसका कितना सक्सेस रेट है, ये सब हम जान सकते हैं बाय द एफिनिटी और एविडिटी के टेस्ट से, ठीक है। और लास्ट में है क्रोमैटोग्राफी। तो हम जानते हैं एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी जो रहता है वो यूज़ होता है ताकि हम ज़्यादातर रिसर्च में यूज़ किया जाता है। एक मेथड है जहाँ से हम प्यूरीफाई कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को एक मिक्सर से या फिर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मिक्सर। तो जैसे कि हम एफिनिटी को के रिलेशन को यूज़ करते हैं बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी को ताकि हम एक किसी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को प्यूरीफाई कर सके। सो इस तरीके से ये सारे एफिनिटी और एविडिटी जो है टेस्ट होते हैं ये यूज़ होते हैं अलग अलग एरियाज़ में और रिसर्च के, ठीक है। सो नेक्स्ट है लास्ट कि कैसे हम एफिनिटी और एविडिटी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक ब्रीफ मैनर में हम देख लेते हैं कि एफिनिटी और एविडिटी का बेसिक डिफरेंस क्या है। कि जो एफिनिटी होता है वो एक मेजर होता है ऑफ द बाइंडिंग स्ट्रेंथ एट अ सिंगल बाइंडिंग साइट में, जबकि एविडिटी जो रहता है वो एक मेजर होता है ऑफ द टोटल बाइंडिंग स्ट्रेंथ का। तो एफिनिटी क्या है? मेजर ऑफ द बाइंडिंग स्ट्रेंथ एट अ सिंगल बाइंडिंग साइट। एविडिटी मेजर ऑफ द टोटल बाइंडिंग स्ट्रेंथ। सेकेंड जो है स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर एन इंटरेक्शन बिटवीन अ साइट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग एट एंटीबॉडी एंड एन एंटीजन एपिटोप।
और यहाँ पर एविडिटी जो रहता है वो एक टोटल स्ट्रेंथ को बताता है जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर द एंटी इंट्रैक्शन बिटवीन मल्टीपल एंड एंटीजन के बीच में विथ मोर देन वन एंटीबॉडी। यहाँ पर एफिनिटी जो रहता है वो एक सिंगल एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच के इंट्रैक्शन को के स्ट्रेंथ को बताता है, जबकि एविडिटी में मल्टीपल एंटीजन एंटीबॉडी के स्ट्रेंथ को बताया जाता है। ये एक बैलेंस होता है एफिनिटी बिटवीन द एंटीजन अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस के बीच में, जबकि एविडिटी जो रहता है ये पूरे एफिनिटीज़ के सम को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं एविडिटी बनता है। ओके, एंटीबॉडीज़ में हाई एफिनिटी हाई स्पेसिफिसिटी होता है अपने एपिटोप्स के लिए, जबकि एविडिटी में लेस स्पेसिफिसिटी रहता है फॉर देयर एपिटोप। एंटीबॉडीज़ यहाँ पर जो रहते हैं वो मोनोवेलेंट होते हैं या फिर डाइवेलेंट भी हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर एविडिटी में एंटीबॉडीज़ जो रहते हैं वो मल्टीवेलेंट होते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ शो करेंगे वो लो स्ट्रेंथ होता है, यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं एंटीबॉडीज़ के, तो वो एबीओ एंटीबॉडीज़, आईजीजी, आईजीई एंड आईजीडी एंटीबॉडीज़, ये सारे मोनोवेलेंट या डाइवेलेंट एंटीबॉडीज़ होते हैं, जबकि आईजीएम एंटीबॉडी एविडिटी शो करता है बिकॉज इट्स अ मल्टीवेलेंट इन नेचर। तो इस तरीके से एविडिटी और एविडिटी को हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर भी शो कर रखा है कि किस तरीके से एफिनिटी और एविडिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, एफिनिटी जो रहता है वो एक सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट और सिंगल एपिटोप के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेगा, जबकि एविडिटी जो रहता है वो एक कंप्लीट इंटरेक्शन के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। तो एफिनिटी रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिंगल एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन, सिंगल को एक्सप्लेन करता है। ईच आईजीजी एंटीजन बाइंडिंग साइट टिपिकली इज हाई एफिनिटी फॉर इट्स टारगेट, जबकि एविडिटी जो रहता है वो स्ट्रेंथ को बता रहा है ऑफ द ऑल द इंटरैक्शंस कंबाइंड। आईजीएम टिपिकली हैज अ लो एफिनिटी एंटीजन बाइंडिंग साइट बट देन देयर आर 10 ऑफ देम, तो इसीलिए एविडिटी जो रहता है वो हाई होता है इन केस ऑफ आईजीएम। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे क्या क्या बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एफिनिटी एंड एविडिटी एंड ये कहाँ कहाँ पर रिसर्च पर भी यूज़ किया जा सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एफिनिटी एंड एविडिटी। थैंक यू।